लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपने देखा धर्मपुर से रत्ना राजा को खत भेजती है जिसमें उसके भाई चंदू के लापता होने की खबर देती है। राजा रत्ना से मिलता है और उसका हौसला बढ़ाता है। रास्ते में राजा की मुलाकात निनाद से होती है और गांव के आचार्य उसे अपने आश्रम में पनाह देने का आश्वासन देते हैं। आचार्य अपने दो साथी जग्गू और शिवा को राजा से सावधान रहने को कहते हैं। राजा उस्मान मियाँ की दुकान पर चंदू के बारे में पूछताछ करने जाता है। आचार्य बल्लू और गल्लू को एक एक मोबाइल फोन देकर राजा का खात्मा करने का आदेश देते हैं। अब देखिए आगे। गल्लू, वो तो राजा की गाड़ी आ रही है, तू तैयार है ना? हाँ तैयार हूँ। जरूर लेंगे। धर्मपुर में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पहली बार इस तरह की धमाकेबाजी और गोलीबारी हुई है। इंस्पेक्टर पाटिल, आप जानते हैं वो दो गुंडे कौन थे? एक का नाम गुल्लू और दूसरे का नाम बबलू है। दोनों बंबई के थे। मेरे ख्याल से उनकी और मिस्टर राजा की कोई पुरानी दुश्मनी रही होगी। नहीं, अगर पुरानी दुश्मनी होती ना तो वो राजा को धर्मपुर आने ही नहीं देते, बंबई में ही राजा पे हमला करता। एग्जैक्टली, दादी माँ एकदम ठीक कह रही हैं। मुझे लगता है कि किसी को मेरा धर्मपुर आना और गुमशुदा बच्चों के केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना नागवार गुजर रहा है। मेरे ख्याल से षड्यंत्र का सूत्रधार मौके वारदात पर मौजूद था। वो कैसे? इंस्पेक्टर, सूत्रधार होशियार हैं। अगर वो दोनों पकड़े जाते तो उसका नाम जरूर बताते, ये जानकर उसने दोनों के पास बम रखे। समय आने पर उसने सिर्फ बटन दबाया। अगर उसी वक्त सबकी तलाश ली जाती ना तो सूत्रधार जरूर पकड़ा जाता। वाह वाह दादी माँ वाह। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे अभी धर्मपुर में ही हैं।
और वो सूत्रधार मुझ पर इसलिए हमला कर रहा है ताकि मैं बच्चों तक ना पहुंच पाऊं। ये भी तो हो सकता है कि वो बच्चों को लेकर धर्मपुर से चला जाए बाहर। बिल्कुल हो सकता है। इंस्पेक्टर पाटिल, आप एक काम कीजिए, धर्मपुर की सीमा की नाकेबंदी कर दीजिए ताकि गुंडों के बाबत हमें कुछ सुराग मिल सके। ऑफ कोर्स मिस्टर राजा, आप ठीक करें। आज से कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के धर्मपुर से बाहर नहीं जा सकती। और जिन जिन गुंडों के पुलिस रिकॉर्ड्स हैं उन्हें पुलिस चौकी में बुलाकर अगर आप सख्ती से पूछताछ करें तो काफी जानकारी मिलेगी। चलो रत्ना, इधर पूछते हैं। आओ आओ रंचो। रंचो, दो दिन से भूखा है। और आता ये पानी ले लीजिए आप, है ना। ये इस बच्चे को तुमने कहीं देखा ना? बाकला सर। अरे क्या बोल रहा है? ये बोल रहे हैं कि इन्होंने इस बच्चे को कहीं नहीं देखा। कोई बात नहीं रत्ना, किसी और से भी पूछते हैं। यहाँ सुनो भाई, ये बच्चे को तुमने कहीं देखा यहाँ इधर आते जाते? नहीं साहब, इस बच्चे को हमने कहीं नहीं देखा। आपने देखा तो नहीं? दो दिन से भूखा है बाबा, पैसे दे दो बाबा। खाने भी नहीं देता है, क्या करेगा? मेरे को भूख लगी, मेरे को दे दो। जरा एक पैकेट बिस्किट देना भाई। अरे ये रंचो क्यों सिग्नल दे रहा है? हाँ रंचो, क्या बात है? इधर क्या? रत्ना, ये बच्चा वही धुन बजा रहा है ना जो तुम्हारा भाई चंदू बजाता है। हाँ। होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। अरे सुनो बच्चों, जरा इधर आओ, इधर आओ। ये लो बिस्किट, खाओगे? नहीं साहब। लो रत्ना, तुम खाओ। ये धुन तुमने कहाँ से बजानी सीखी? मेरे दोस्त ने सिखाई साहब। क्या नाम है तुम्हारे दोस्त का? अब मैं जाता हूँ, लोग मुझे मारेंगे। अरे कोई तुझे नहीं मारेगा, एक मिनट रुक, मैं बताता हूँ। ये देख, इसी ने धुन बजानी सिखाई है ना? चंदू है इसका नाम। कहाँ है वो? कोई तुम्हें नहीं मारेगा बंटी, जब तक राजा और रेंचो तुम्हारे साथ हैं, समझ गए? तुम बिल्कुल मत घबराओ, चलो मेरे साथ मेरी जीप में आओ। दोस्त, अब मेरा भैया मिल जाएगा ना? हाँ जरूर मिलेगा। आओ आओ बंटी, आओ रत्ना। बंटी तुम घबराना नहीं, देखो रेंचो और राजा तुम्हारे साथ है। हाँ चलो तुम बैठ जाओ, रत्ना उधर से आ जाओ। चलो वाह 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 वा, वा, वा। ठीक से बैठना बंटी, घबराना नहीं, ओके? इतना सब गड़बड़ हो गई, चल जाके जग्गू दादा को खाते हैं। किसी काम के नहीं हो तुम लोग। जिसने दिया था वो पाजा उस पंटी को, इतनी लापरवाही, इतनी बेफिक्री, तुम्हारी वजह से राजा और पुलिस यहां तक आ गई है, क्योंकि पंटी ने तुम्हारा नाम पुलिस को दे दिया है, जिसकी वजह से हम सबको जेल हो सकती है, समझे? दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। दोबारा हुई तो बेहतर यही होगा कि हम धर्मपुर छोड़कर रामपुर जाएं। सभी बच्चों को मेटाडोर में भरकर रामपुर ले जाओ और ये अड्डा हमेशा के लिए छोड़ दो, समझे? Thank you.
रत्ना, ना जाने इन जालिमों ने बच्चों को कहां छुपा कर रखा है। सब जगह तो ढूंढ लिया है, फिर नहीं। रत्ना रोना नहीं, रोना नहीं। मैंने तुमसे वादा किया है ना, तुम्हारे भाई चंदू को जरूर ढूंढ निकालूंगा मैं। हाँ, मैंने कहा ना तुमसे, तुम बिल्कुल मत घबराओ। रंचो, रंचो, इधर आओ। कुछ पता चला? हाँ, रंचो, हाँ, अब, अब, अब। चलो रत्ना, कहीं और ढूंढते हैं। शायद इसकी आवाज से हमें कुछ पता चले। अरे शिवा मेरे भाई। हाँ बोलो। ये राजा क्या चीज है पता नहीं चलता यार। हाँ। वो और उसका बंदर इतना परेशान करके रखा ना अपने को, कुछ कम ही नहीं करने देता मेरे को। तो एक काम कर, तो अपने सब सामान वामान सब बांध ले जल्दी। कौन सा सामान, कौन सा? अरे सामान बोलेगा तो बच्चे लोग यार, तू समझ पा रहा है? अच्छा अच्छा, अभी समझा मैं। चल जल्दी। अरे जल्दी चल रहे यार, तू क्या चलता समझ रहे लंगड़े कहीं के? चल जल्दी। तू भी तो घुबड़ा है रे। ए, क्या बोल रहा है? घुबड़ा बोला रे। घुबड़े? घुबड़ा बोल रहा मेरे को। अरे घुबड़ा? अबे वो लंगड़े बोल रहे कुबड़ो। अरे बच्चे लोग को कस के बांध कर रखा था, देखना कहीं मर तो नहीं गया वो। अरे एक दो को टपकने देना, क्या फर्क पड़ता है? क्या बात हुई? बोलो। क्या बात हुई? वो मुझे मारेंगे, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। घबराओ नहीं, कौन है वो लोग? वो जो आदमी। वो आदमी तो नहीं? नहीं वो नहीं। वो जो आ रहा है वो भी उन्हीं का साथी है। तो हम क्या करें? घबराओ नहीं, बिल्कुल चिंता मत करना। लेकिन एक बात याद रखना, अपनी जुबान मत खोलना, समझे? मैं तुम्हें बचा लूंगा। चलो चलो मेरे साथ चलो। प्रणाम आचार्य जी। आयुष्मान भव। राजा, बच्चों का कुछ पता चला? नहीं आचार्य जी, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उन बच्चों को ढूंढ निकालूंगा। ईश्वर तुम्हारी इच्छा पूरी करे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये बच्चा कौन है? अरे बेटे डर क्यों रहा है? ये मेरे अनाथ आश्रम का बच्चा है।
मेरे साथ ही रहता है। तो बेटे इसमें डरने की क्या बात है? बस जरा घबराया हुआ है। हाँ हाँ हाँ, खुश रहो, आचार्य जी के साथ हो, तुम्हारा भाग्य है। अच्छा आचार्य जी, फिर भेंट होगी। जय श्री राम। आ रंचो। घबराने की कोई बात नहीं। चले जी, पुलिस ने रास्ता रोका हुआ है। ड्राइवर, तुम बगैर झिझक गाड़ी चलाते रहो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या बात है दरोगा जी? कुछ नहीं, चेकिंग हो रही है। चेकिंग तो कीजिए ना, लेकिन जल्दी। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? जैसे साधु संतों में अगर हम चेकिंग करने लगे तो हमें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। हल्दार, जान दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चल जल्दी उतर। इस तरह क्या साले चलते हैं लड़के लोग भी? चलो। अरे चल दे, आज ही से हम लोग तेरे माँ बाप हैं क्या? हाँ, और जितना तेरे को रोने का है ना, वो आज ही के दिन रोने। हाँ, कल को तेरे आंखों में एक भी बूंद दिखाई दी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यार चल दे। लगता तो अच्छे घर का है। मुझे तो अपने पापा की याद आ रही है। हम तो बदनसीब है, मैं तो पूरा लावारिस हूँ। अरे बच्चे लोग, अभी तक सोए नहीं आप लोग? ये सब क्या हो रहा है? दीदी, ठीक पहचाना मुझे, मैं तुम्हारी दीदी ही हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चंदू है। ये तुम्हें भी क्या हमारी तरह उठा कर लाया गया है? तुम्हें ये मेरी तरह माँ की याद आती होगी ना? दीदी मुझे मेरे घर जाना है, प्लीज मुझे मेरे घर जाना है। चलो बहुत देर हो गई है, अब सो जाओ। दीदी मुझे माँ के बिगैर नींद नहीं आती है। वो भले मुझे कहानी सुनाती है, डोरी सुनाती है, तभी मुझे नींद आती है। जिद मत करो चंदू, चलो सो जाओ। चलो सब लोग सो जाओ जल्दी से। मैं सब कुछ देख रहा था। अगर छोरी तुमसे बच्चे से मिलने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा करेगा तुमने। चलो चलो लाइन में आ जाओ, चलो खाने का देख रहा जाओ, चलो जल्दी आगे आ जा। चल हाँ चल चल भैया जगह पे। हाँ चलो चल भाई, चल आगे चल चल। हाँ चल तू भी। क्योंकि एक बार के बच्चे भीख मांगते हैं तेरे हाथ बाहर नहीं आते हैं, और खाना खाने के लिए सबसे आगे आता है। अरे ये निनक का बच्चा, क्या रे आज की कमाई कितने देरी कमाई? फिर 5 रुपए लाया, 5 रुपए, 5 रुपए में कोई पेट भर खाना देता है क्या? अरे मैंने कोई धरम धरा नहीं खोल के रखी। भाई उसको बता जरा, उसको बता भी कैसे मांगे जाते हैं, उसको जरा बता बता। चल शुरू हो गया। बाबा दे दे बाबा, भगवान के नाम पे दे दे बाबा। अरे पैसा नहीं है बाबा, दे दे बाबा, भगवान आपकी भी बच्चों को सलामत रखे बाबा। दे दे बाबा, दे दे बाबा, दे दे बाबा। हट भाई हट, कितना कमा के लाया? 5 रुपए। अरे 5 रुपए में घर पे खाना कौन दिए? मैंने क्या धर्म घर खोल रखी है यहाँ पे? आज तेरे को खाना नहीं मिला, जा भाई जा वहाँ पे, जा भाई। लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है।
चलो आज हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं। हाँ तो कर लो। अरे अपने बाप का माल है ना, अगर तेरे को इसके साथ इतनी हमदर्दी है तो तू भी क्यों खाना खाता है? लेकिन भैया क्यों, इसे भी हम भूखा रखेंगे? भूख से पेट में चूहे दौड़ेंगे ना, तो इस तरह की बगावत करने के बारे में ये सोचेगा? आज की रात मैं इसको कोठरी में सुनाने वाला हूँ। चल चल। मम्मी। हाँ बेटा चंदू। कहाँ थी आप मम्मी? मुझे यहाँ से ले चलो मम्मी। उसी के लिए तो आई हूँ बेटा। मम्मी आगे अंकल बहुत मारते, बहुत गुस्सा भी करते। बेटा हमें तुम्हारी बहुत याद आती, चलो हमारे साथ। तुम मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ कहाँ है? चिल्लाओ मत चंदू, तुम्हारे अंकल जाग जाएंगे। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। अच्छे बच्चे बार बार ऐसे नहीं रोते चंदू। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। खाओ खाओ ना। नहीं रोना नहीं और खाली पेट सोना नहीं। और साइनाथ? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे रोटी देकर आई हूँ। क्या बात है चंदू? मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। तुम चिंता मत करो, तुम अपनी माँ के पास जरूर जाओगे। पर कब? सब लोग बोले थे कि अंकल मुझे भेजने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें जल्दी छुटकारा मिल जाएगा चंदू। लेकिन कैसे? जिस तरह सीता मैया को बचाने के लिए राम ने हनुमान जी को भेजा था, उसी तरह तुम्हें बचाने के लिए राम और हनुमान जी जरूर आएंगे। सर दीदी। हाँ चंदू, राम और हनुमान जी जरूर आएंगे और तुम्हें छुड़ा ले जाएंगे। चलो अब जल्दी से खाना खा लो।